मेरठ से खबर है, मीट माफिया हाजी याकूब पर 25,000 का इनाम। हाजी याकूब के दोनों बेटों पर भी इनाम घोषित किया गया है। एसएसपी मेरठ ने इनाम घोषित किया। 3.5 महीने से फरार है याकूब, उसके बेटे अवैध मीट फैक्ट्री में गोश्त कारोबार का आरोपी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मेरठ से। मीट माफिया हाजी याकूब पर 25,000 का इनाम रखा गया। हाजी याकूब के दोनों बेटों पर भी इनाम घोषित किया गया है। वहीं एसएसपी मेरठ ने ये इनाम घोषित किया है। कई दिनों से ये लोग फरार हैं, लगभग 3.5 महीने से फरार हैं याकूब और उसके बेटे। अवैध मीट फैक्ट्री में गोश्त कारोबार का आरोपी हैं ये लोग। तो ये मेरठ से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मीट माफिया हाजी याकूब पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। हाजी याकूब के दोनों बेटों पर इनाम घोषित है। वहीं एसएसपी मेरठ ने ये इनाम घोषित किया। आपको बता दें लगभग 3.5 महीने से ये लोग याकूब और उसके बेटे फरार बताए जा रहे हैं। अवैध मीट फैक्ट्री में गोश्त कारोबार के आरोपी हैं ये सभी लोग। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मेरठ से, ये जानकारी आ रही है। जहां मीट माफिया हाजी याकूब पर 25,000 का इनाम है, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हाजी याकूब के दोनों बेटों पर भी इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि 3.5 महीने से ये लोग फरार है। एसएसपी मेरठ ने ये इनाम घोषित किया है। लगभग 3.5 महीने से ये लोग फरार बताया जा रहा है। अवैध मीट फैक्ट्री में गोश्त कारोबार करते थे, इसका आरोप है इन लोगों के ऊपर। वहीं मेरठ से ये खबर आ रही, मीट माफिया हाजी याकूब पर 25,000 का इनाम। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हाजी याकूब के दोनों बेटों पर भी इनाम घोषित किया गया है। एसएसपी मेरठ ने ये इनाम घोषित किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 3.5 महीने से फरार हैं याकूब और उसके बेटे। तो अवैध मीट फैक्ट्री में गोश्त कारोबार के आरोपी हैं ये लोग। लगभग 3.5 महीने से फरार हैं ये सभी लोग, जिसके बाद अब 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है मेरठ के एसएसपी की तरफ से। हाजी याकूब के दोनों बेटों पर भी इनाम घोषित है। पंकज गुप्ता हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि हाजी याकूब पर अब 25,000 का इनाम और उनके बेटों पर भी इनाम घोषित कर दिया है। कल लंबे वक्त से ये लोग फरार बताए जा रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी? जी, आपको बता दूं कि 3 महीने पहले जो याकूब की फैक्ट्री है, मेरठ पुलिस द्वारा उसमें छापा मारा गया था, जहाँ पर अवैध जो मीट है वो बरामद हुआ था। उसके बाद याकूब के दोनों बेटे और उसके पत्नी यानी कि 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद से ही याकूब का जो परिवार है वो फिलहाल फरार था। 3 दिन पहले याकूब के जो मकान है उससे पैसी की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी। उसके बाद आज जो कल रात में जो मेरठ पुलिस है, उन्होंने याकूब के दोनों बेटे और याकूब पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जी, आप इनसे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरह का कारोबार ये लोग कर रहे थे, किस तरह का आरोप है इन पर? जो याकूब का बता दें कि हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि याकूब पहली बार विवादों में, याकूब पहले भी विवादों में रहे हैं। यहाँ पर जो इनका कारोबार है उसकी बात करें तो इनका जो मीट है, मीट के बड़े प्लांट है, मीट फैक्ट्री के मालिक है, तो वहाँ पर अभी पैकिंग होता हुआ वहाँ पर जो है वो मीट 300 क्विंटल वहाँ जो मेरठ पुलिस है उन्होंने बरामद किया था। उसके बाद इन लोगों पर FIR हुई थी। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी पंकज की कब से ये लोग फरार है, कब से इन लोगों को ढूंढा जा रहा है? लगभग काफी लगभग 3 महीने यहाँ पर अभी बीत चुके हैं और बीच में ये चीज भी सामने आई थी कि ये लोग देश छोड़ के कहीं बाहर जा चुके। जी, तो मेरठ से ये खबर, जहां मीट माफिया हाजी याकूब पर 25,000 का इनाम। पंकज, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएसपी मेरठ ने इनाम घोषित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।